नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। अंधेशक से संबंधित बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिर आ गया द्वितीय चरण अनुबंध नवीनीकरण आदेश। अंधेशकों को अब दूरी से राहत मिलेगी। जिन अंधेशकों के विद्यालय दूर हैं उनके लिए अब राहत मिल सकती है। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह आदेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से में जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 2 दिसंबर 2023 को ये तैयार किया गया है और आज ये आदेश सभी तक पहुंच गया है। विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अंधेशकों का NIC लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से द्वितीय चरण के लिए अनुबंध नवीनीकरण के संबंध में लिखा है। महोदय महोदया, कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या इतने विशेष शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 21/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अंधेशकों को जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 चरणों में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराने के राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने द्वारा जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण के ऑनलाइन प्रथम चरण सूची के अंशकालिक अंधेशकों को नवीन विद्यालय आवंटन के संबंध में निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिसके क्रम में जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सूची के अंशकालिक अंधेशकों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जानी है। अग्रेतर शासनादेश दिनांक 21/3/2023 में दी गई व्यवस्था अनुसार अंशकालिक अंधेशकों के पद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण के द्वितीय चरण में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अंधेशकों का 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति स्वेच्छा से किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अनुबंध नवीनीकरण किया जाना है। तत्क्रम में अंशकालिक अंधेशकों के जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के हेतु NIC के माध्यम विकसित वेबसाइट पर द्वितीय चरण हेतु नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण के संबंध में निर्देश निम्न बताएं। नंबर 1, जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन के अंतर्गत पोर्टल पर 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंशकालिक अंधेशकों की विद्यालयवार एवं विषयवार अनंतिम रिक्त सूची प्रदर्शित की गई है। नंबर 2, पोर्टल पर प्रदर्शित की गई अनंतिम रिक्त सूची को जिला विशेष शिक्षा अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर अनंतिम रिक्त सूची के परीक्षणों उपरांत पाई गई सभी विसंगतियों यथा रिक्त विषय का गलत होना अथवा रिक्त का ना होना अथवा विद्यालय में छात्र नामांकन 101 से कम होना की आपत्ति पोर्टल पर दिनांक 4 दिसंबर 2023 तक दर्ज करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर प्रदर्शित अनंतिम रिक्त सूची में पाई गई विसंगतियों को मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 6 दिसंबर 2023 तक सुधार फीड करना सुनिश्चित करें। आखिर में 4th पॉइंट है, यदि पोर्टल पर प्रदर्शित की गई अनंतिम रिक्त सूची में परीक्षणों प्रांत कोई विसंगति नहीं पाई जाती है तो इस आशय का प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अथवा अनंतिम रिक्त सूची के परीक्षणों प्रांत पाई गई विसंगतियों को आपत्ति पोर्टल पर दर्ज कर देने एवं पाई गई सभी विसंगतियों को मानव संपदा पोर्टल पर सुधार कर संबंधित प्रमाण पत्र प्रारूप 2 पोर्टल पर दिनांक 7 दिसंबर 2023 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। आखिरी पॉइंट 5 नंबर है, यदि द्वितीय चरण की विद्यालय आवंटन सूची निर्गत करने से पूर्व अथवा पश्चात उपरोक्त प्रकार की किसी भी विसंगति की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। भवदीय विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक।